आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप। सोया चाप की रेसिपी मैं पहले भी बना चुका हूं, लेकिन ये रेसिपी उससे भी बेहतर है और बहुत आसान है बनाना। छोटा सा आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो भी सोया चाप की स्टॉल लगाता है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसको आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं, जिससे उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं सोया चाप। तो कैसे हैं मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनेस्ट किचन में। शुरुआत करते हैं हम डो लगाने से। तो 300 ग्राम मैदा इस्तेमाल किया है मैंने। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लगभग एक छोटा चम्मच। मैदा आप कोई सा भी लें, लेकिन हार्ड मैदा लें, अच्छी क्वालिटी का लें, जिसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक डो लगाएंगे। डो मीडियम रहेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। फैक्ट्री आउटलेट में मैदे के अंदर ग्लूटेन पाउडर का भी इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं लगभग 20 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा डो लग चुका है। अब इस डो को रेस्ट देंगे लगभग आधे घंटे का। इसी बीच में एक कप सोयाबीन, सोयाबीन अच्छी क्वालिटी का लें, किसी भी ब्रांड का लें, लूज इस्तेमाल ना करें, जो छोटी छोटी सी होती है ना उनका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर डालेंगे गर्म पानी। गर्म पानी डालने से ये सोख भी होगी, साथ में इसके अंदर एक स्मेल होती है वो निकल जाएगी। आधे घंटे का रेस्ट इसको भी देना पड़ेगा। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और बढ़िया काफ़ी फूल के मोटी हो चुकी हैं और पानी भी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पे इसमें अच्छी तरह स्क्यूज करना है, सारा पानी निचोड़ के इसमें निकालना है, मतलब कि जितना आप में ताकत है उस हिसाब से निकालिए, पानी कम से कम रहना चाहिए भाई। सोया बड़ी में से काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पानी निकल चुका है, तो इस पानी का तो कोई काम नहीं, इसको कर देते हैं डिस्कार्ड। अब ये सोया बड़ी है, इसको हम पल्स मोड पे चलाएंगे। बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं बनाना है, इसको हल्का सा दरदरा रखना है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके चलाएं और बीच में चेक करते रहें। अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में सोया चूरा भी अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसा हमको चाहिए था वैसा हो चुका है, लेकिन इसमें नमी है, काफ़ी गीलापन है, तो हम इसको सुखाने के लिए, पंखे के नीचे सुखाने के लिए छोड़ दीजिए लगभग 2 घंटे के लिए, तो काफ़ी सूख जाएगा। तो चलिए अपना आटा भी चेक कर लेते हैं। आटे को लगभग आधा घंटा हो गया है। अब इसकी करनी है मालिश। डो को रब करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा चम्मच तेल का डालेंगे और काफ़ी अच्छी तरह से इसको डो कर रब करना है। डो को रब करने के पीछे सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि इसका ग्लूटेन एक्टिवेट करना है, क्योंकि अगर ग्लूटेन एक्टिवेट नहीं हुआ तो जो हम चाहते हैं वैसा ये बन नहीं पाएगा। जो जालियाँ जैसी बनती है ना डो में, बस वही चाहिए हमको। तो इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक हमने अच्छी तरह से रब किया है। अब आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर डो को हमने पानी में डाल दिया, पानी नॉर्मल पानी है, और इसको अच्छी तरह से मसल मसल के इस डो में से ग्लूटेन को अलग करेंगे। बस फर्क इतना सा है कि पूरी तरह से ग्लूटेन अलग नहीं होना चाहिए, थोड़ा मैदा और थोड़ा ग्लूटेन उसमें रहना चाहिए। तो एक पानी धोइए, 3 से 4 मिनट लगेगी बस। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी मात्रा में ग्लूटेन निकल गया है, लेकिन मैदा भी है इसमें, पूरी तरह से ग्लूटेन नहीं है, मैदा भी है, और साथ में जो पानी है इसका इस्तेमाल आप डो को गूंदने के लिए कर सकते हैं। अब इस ग्लूटेन और मैदा दोनों को स्टेनर में रख दीजिए, जिससे इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। इस बात का ध्यान रहे कि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, अगर पानी ज़्यादा होगा तो चाप बनाने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे 2 से 3 घंटे हमने स्टेनर के ऊपर रखा, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था सारा निकल गया। तो चलिए अब इसको निकाल कर एक परात में हम डाल लेते हैं। एक चम्मच तेल डालेंगे और इसको चिकना कर लेंगे। और यहाँ देखिए सोया चूरा भी काफ़ी ड्राई हो गया, पंखे के नीचे हमने सुखा के रखा था, काफ़ी अच्छा सूख गया है। अब इस डो के साथ में हमको मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। एक साथ मिक्स करेंगे तो जो सोया चूरा है एक साथ एक डो की तरफ पे चिपक जाएगा, इसलिए फैला फैला के चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। आपने सोया चाप की दूसरी रेसिपी में देखा होगा कि मैदा डाल के इसका आटा गूंदा जाता है, मैदा डाल के फिर जो सोया चाप वाली फीलिंग नहीं आती है, इसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा डो अच्छी तरह से सेट हो गया है। आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके अंदर जो हमने धोया था इसका वजह क्या थी। तो ये देखिए कितनी सारी जालियाँ हैं, और उन जालियों की वजह से ही सोया अच्छी तरह से जकड़ के रखता है, तो मैदा खाने वाला फीलिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे जैसे हम रोटी बनाते हैं सेम टू सेम पेड़ा बनाएंगे और एक मोटा थिक परांठे की तरह इसको बेल लेंगे। बेलते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए, शीट हमारी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अब पतली पतली सी स्ट्रिप काट दीजिए इसकी। तो यहाँ पे आप चाहें तो बहुत बड़ी सी एक रोटी बेल गए उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप भी काट सकते हैं, उससे काम भी आपका आसान हो सकता है। अब आइसक्रीम की स्टिक जो होती है उस पर हमको लपेटना है। ये देखिए हाथ थोड़ा सा टाइट रखना, बहुत ज़्यादा भी टाइट मत रखना, अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो आपस में सारी लेयर चिपक जाएगी।
जहाँ पे जो लेयर ख़त्म हुई वहीं से दूसरी लेयर स्टार्ट हो गई। अगर आपके पास में आइसक्रीम की स्टिक ना हो, वैसे तो बहुत ही आसानी से स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाती है, अगर फिर भी ना मिले तो आप किसी भी चम्मच या फिर किसी फोक के पिछले हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लपेटने के लिए, उसमें भी काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये देखिए, हमने सारी इस पर लपेट दिया है और लास्ट में इसको जॉइंट को दबा दिया है। तो इस तरह से हमारी सारी सोया स्टिक रेडी हो चुकी है। तो चलिए बॉयलिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसको पका लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पानी बॉयल कर लिया है, बहुत तेज़ी से बॉयल नहीं होना चाहिए, हल्का सिमर पे रहना चाहिए। अब यहाँ पे सारी हम डाल देंगे और मीडियम हीट पे इसको बॉयल करेंगे। जैसे जैसे सोया चाप पकती जाएगी वैसे वैसे ये फूल के ऊपर तैरने लग जाएगी, और ये देखिए इसका साइज भी जस्ट डबल हो गया है और फूल के ऊपर तैरने भी लग गई है। तो यहाँ पे मैंने लगभग इसको 5 से 8 मिनट पकाया है मीडियम हीट पे। इतनी देर काफ़ी रहती है, इतनी देर में हमारा जो ग्लूटेन होता है वो भी पक जाता है और जो सोया है वो भी पक जाता है। अब इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसको करना है ठंडा। तो यहाँ पे सोया चाप ठंडी हो चुकी है। अगर आप इसको हाथ से दबा के देखेंगे तो ये काफ़ी फर्म बनी है, मतलब मार्केट से भी बेहतर बनी है। तो यहाँ पे आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी शानदार लग रही है ना, अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, आसानी से स्टिक से निकल जाती है बाहर। इसको काट के भी दिखाता हूँ आपको। आमतौर पे मार्केट में जो सोया चाप मिलती है उसके अंदर मैदे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमने घर पे बनाया है तो इसके अंदर सोया और ग्लूटेन ज़्यादा है। मैदा हमने इतना ही छोड़ा है इसके अंदर कि ये बाइंड हो जाए। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार आया है। आप चाहें तो इसको डीप में रख के 6 महीने तक इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एयर टाइट डब्बे में रखें और डीप में रख दीजिए, जब भी दोबारा इस्तेमाल करना हो गर्म पानी में डालिए, इसको निकालिए और इस्तेमाल कीजिए। अब से हफ्ते में 3 दिन, मतलब कि सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को सुबह 11 बजे ऑनेस्ट किचन की नई रेसिपी आपके पास में होगी। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखें।